सारा दिन मैं ये ख्याल कर रहा था कि कहीं आप ही का मूड ना खराब हो जाए, लेकिन ऐन तकरीब के वक्त तुम्हारे घर वालों की वजह से सारा मामला खराब हो गया। ये ले भाई, आपका सरप्राइज। क्या सरप्राइज है? इसमें है आपके हनीमून का पैकेज और आप दोनों के टिकट्स। अब तुम साकिब का बहुत ख्याल रखना, अगर खुदा ना खासा उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुमसे अपना भाई वापस लूंगी। अल्लाह ना करे, आप ही कैसी बातें कर रही हैं। सोया है नसीबा रबा, ऐसी है जुदाई वे। फिरदौस, फिरदौस, फिरदौस जी। बेगम साहिबा, जरा पानी तो लेके आना। जी अच्छा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बेगम साहिबा? हाँ ठीक है, साकिब से बात नहीं हुई ना, दिल घबरा सा रहा है कुछ। जाओ तुम जाओ। साकिब, 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 भाभी। साकिब क्या हुआ? आप कहाँ चले गए थे? मैं समझी कि क्या हुआ? तुम समझी कि मैं खाई में गिर गया? सॉरी। प्लीज एक लम्हे के लिए मुझसे दूर मत हुआ करें, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा सॉरी, पकड़ो चखो। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये बताओ, तुम सब खैरियत से हो ना वहाँ पर? जी जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, बहुत मजा आ रहा है। चलो शुक्र है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जरा राबी से तो बात कराओ मेरी। ये बात करें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है, रो रही हो क्या? नहीं तो। जरा साकिब को फोन दो। क्या वो आपसे बात करनी है? मरवा दिया। जी अम्मी। क्या क्या बात हुई? कोई झगड़ा बगड़ा किया इसने है? जी अम्मी, जब से यहाँ आए हैं चिक 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 लड़े जा रही है मुझसे। साकिब, दिमाग खराब हो गया क्या इसका? पहली बार तुम्हारे साथ गई है, बजाय ये कि खुशी खुशी वक्त गुजारे, उल्टा तुम्हें परेशान कर रही है, तुमसे लड़ रही है ये। अरे अम्मी मैं मजाक कर रहा हूँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा आप मुझे बताएं, हसन ऑफिस तो जा रहा है, परेशान तो नहीं हो रहा? परेशान क्यों होगा, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी तरह ही समझदार और जिम्मेदार भी तो है ना। तो इसका क्रेडिट भी तो आप ही को जाता है, आपने इतनी अच्छी तरबियत जो की है हमारी। बस बेटा जीते रहो, मेरी दुआएं हैं तुम लोगों के लिए और कुछ नहीं है। बस अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह खुदा। सॉरी, स्पेशल चाय बनवा के लाया था तुम्हारे लिए, रो रो के तुमने उसको मीठी चाय को सॉल्टी कर दिया। पियो पियो, ये बहुत गर्म है। वो देखो वो देखो, ओरे ओए ओए ओए। इतनी देर हो गई, तुम ऑफिस नहीं गए? हेयरिंग पर जाना है। अब खुदा के लिए आज कुछ कर कर आना।
मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुम बहुत ही सुस्त और डरपोक किस्म के इंसान हो। आज तुम इतनी सुबह कैसे उठ गई? ख्वाब में साकिब और राबी आए थे, खूब इंजॉय कर रहे थे, घूम फिर रहे थे। बहुत लकी है राबी। ख्वाब तो सच्चा है तुम्हारा, दोनों घूम फिर भी रहे होंगे और इंजॉय भी बहुत कर रहे होंगे। राबी बहुत खुशकिस्मत है, हमारी तो जिंदगी अजाबों में ही फंसी रही। वो दोनों खूब घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग भी तो गए थे मालदीव्स, मलेशिया। जी, सिर्फ एक दफा, और उस ट्रिप में भी तुम्हारी अम्मा रोजाना दिन में 6 दफा फोन किया करती थी। यहाँ तो मैं ही दिन में 2-4 दफा फोन कर लूँ तो साकिब से बात हो जाती है, वो तो पलट के फोन भी नहीं करता। जाहिर है जब 2-4 दफा तुम फोन कर लेती हो तो फिर कहाँ गुंजाइश रह जाती होगी कि वो भी करे। उसे तो फुर्सत ही नहीं होगी राबी के नखरे उठाने से। कल उमर का रिजल्ट है और पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है, सुबह जल्दी उठ जाना, साथ जाना है। तुम जानते हो मुझसे सुबह उठा नहीं जाता है, तुम खुद चले जाना मीटिंग अटेंड करने। बाप हो, कुछ फर्ज है तुम्हारा। चेयर लिफ्ट पे बैठने कितना मजा आएगा। आपको पता है मेरी बचपन की एक दोस्त है, वो बैठी थी चेयर लिफ्ट पे, बता रही थी कि बहुत ऊंची जाती है और बहुत मजा आता है। हाँ, मजा तो बहुत आता है, and I'm very impressed कि तुम्हें डर नहीं लग रहा। अब आप साथ होंगे तो क्यों डर लगे। बहुत ऊपर जाती है चेयर लिफ्ट, ऐसा लगता है आसमान तक पहुँच गए, बादलों को हाथ लगा सकते हैं। बैठे अपने दोस्तों के साथ बैठा था, लेकिन तुम्हारे साथ बैठने का मजा ही कुछ और आएगा। तुम्हारे साथ बादलों में से जब गुजरूंगा तो कितना यादगार होगा। सॉरी, आपी। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? हम लोग चेयर लिफ्ट पे बैठने जा रहे हैं। यही ख्याल आया था मुझे और इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया था, मुझे पता था तुम यही करोगे। मना भी किया था मैंने, अब चेयर लिफ्ट पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप ही, कुछ नहीं होता, यहाँ बहुत सेफ है, सब एंजॉय करते हैं। और भी तो इतने पॉइंट्स हैं, कहीं और चले जाओ, कहीं आबशार वगैरह देख लो। आप ही, राबी बहुत बेचैन हो रही थी। उसकी बेचैनी के लिए मैं अपने भाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। दिन रात हिसार कर रही हूँ, पढ़ पढ़ कर फूंक रही हूँ तुम्हारी खैरियत के लिए। अब कहीं और जाओ और जाकर मुझे कॉल बैक करो, ओके? जी। खुदा हाफिज। क्या हुआ? पापी ने मना कर दिया। किस बात से? यही कि चेयर लिफ्ट पे ना बैठो, बहुत खतरनाक है। ठीक कह रही है ना? अच्छा, कहाँ जा रही? सच? सच में, लेकिन प्रॉमिस करो घर पे किसी को नहीं बताओ, अपनी उस दोस्त को भी नहीं बताओ, किसी को भी। चलो सुनो, बर्तन तुमने अच्छी तरह धोने और उसके बाद मुझे किचन चमकता हुआ नजर आए। अगर तुमने चीजें बेतुके तरीके से रखी ना, मैं तुम्हें खड़े खड़े निकाल दूंगी। जी नहीं, मैं सही से काम करूंगी। गौहर, मैं सोच रही हूँ कि दाल चावल पका लूं, उमर भी शौक से खाता है। आपका जो दिल चाहे आप पका लीजिए, मुझे उमर को स्कूल से पिक करना है, उसके बाद अम्मी की तरफ जाना है। मगर क्यों, आज क्यों?
क्या मतलब आज क्यों? मेरी मर्जी है, मेरा जब दिल चाहे मैं चली जाऊं। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, उसके बगैर दिल उदास हो जाता है। अम्मी को लेकर मुझे किसी के घर जाना है, साकिब के बाद हसन की शादी भी मैंने करानी है। कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुखालिफत की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो कब ला रहे हो उनको हमारे घर? यार एक दफा भाई और भाभी आ जाए, मैं उनसे बात करता हूँ, वो करेंगे अम्मी आपी से बात। अगर वो मान गए ना तो अगले दिन रिश्ता लेके पहुँच जाएंगे वो। अच्छा, अगले दिन रिश्ता, उसके अगले दिन शादी, और हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? यार तुमको, अरे हनीमून से याद आया, भाई और भाभी गए थे हनीमून पर, तो ये है उनकी। हाँ। वैसे ऐसा मौसम हमारे शहर में भी हो तो कितना मजा है। तो फिर हम वेकेशंस पे कहाँ जाएंगे? बताऊंगा कहाँ जाएंगे, पहले तुम यहीं पे रहोगी। आप कहाँ जा रहे हैं? उधर देखो, पीछे मुड़ के नहीं देखोगी। साकिब, प्रॉमिस करो। आगे देखो, ट्रस्ट मी, आगे देखो। कैसा है? बहुत प्यारे हैं। मैंने अभी देखे वहाँ पे, सोचा तुम्हारे लिए ले लूं। थैंक यू, ये लेने गए थे आप मुझे यहाँ पर? जी। थैंक्स। ये देखो, ब्यूटीफुल हाँ? बहुत प्रिटी है। सेल्फी ले। हाँ। तुम्हारी राबी से बात हुई? उसी वक्त हुई थी बस थोड़ी सी, उसके बाद तो कोई बात नहीं हुई। दोबारा कॉल करना चाहिए था ना, खैरियत तो पूछो उनकी। अच्छा नहीं लगता अली, क्या सोचेगा साकिब, कैसी चुड़ैल सी भाभी मिली है, पीछा ही नहीं छोड़ती, हर वक्त डिस्टर्ब करती रहती है। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ भी सोचेगा, अलबत्ता ये जरूर सोच सकता है कि राबी के घर वालों ने खैरियत ही नहीं पूछी। अच्छा आप आज कॉल करेंगे ना, पूछ लीजिएगा। साकिब के घर वालों से भी राबता करना चाहिए, वरना वो सोचेंगे राबी नहीं है तो हमने उनका हाल भी नहीं पूछा। सही कह रहे हैं आप, ससुराल का मामला है, हर बात का ख्याल रखना पड़ेगा हमें। तुम कहो तो आज शाम को चलें। आज कैसे जा सकते हैं, कल अफरीन का टेस्ट है, तैयारी करानी है मुझे उसकी, कल चलते हैं। एक कप चाय मिलेगी? ऑफिस से आए नहीं है कि हर घंटे में चाय चाहिए। पहले राबी होती थी तो मुझे इन छोटे मोटे कामों की कोई टेंशन नहीं होती थी, अब अकेली हूँ, जरा सोच समझ के ऑर्डर किया करें। ठीक है भाई, लगता है खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी। एक खुशखबरी है, मैंने सोचा पहले वो सुना दो। क्या केस जीत गए? अरे वो भी जीत जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा तो खुशखबरी क्या है ये तो बताओ। वो मामू अफसर और भाभी आ रहे हैं। अच्छा क्यों? क्यों क्या मतलब, आ रहे? अभी तो अफसर और उसकी बीवी रह कर गए यहाँ। तो क्या कहूँ, उनसे बोलूँ ना आए? आए बिल्कुल आए, मगर यहाँ नहीं ठहरे, किसी होटल में कमरा बुक करा कर रहे। अरे कैसी बातें कर रही हो गौर, जब अपना घर मौजूद है तो फिर होटल में क्यों ठहरेंगे? उनके बच्चे हैं बहुत बदतमीज, और उमर बहुत डरा सहमा रहता है। अपना उमर ऐसे रख रख के लगाता था उनके बच्चों को, क्या बात कर रही हो तुम, और अपनी चीजों को हाथ का लगाने देता है वो, क्यों मम्मी? क्या मतलब, तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो बच्चे बहुत सीधे हैं और मेरा उमर बहुत बदतमीज? अरे हमारा उमर बहुत प्यारा बच्चा है। आपको तंज करने की जरूरत नहीं है।
गौहर, अम्मी ना किसी पर तंज करती हैं और ना ही गलत बात करती हैं। हाँ, नहीं गलत हूँ, सारी गलतियाँ खामियाँ मुझ में हैं। अरे बेटा, उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। बेटे की बात तो आपको कभी गलत लगेगी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके रिश्तेदार इस घर में यहाँ ना रहे इस दफा। 15-20 दिन में तो वापस चले जाएंगे। 15-20 दिन में क्या खर्चा होता है इसका अंदाजा है आपको? हम बाद में 2-2 महीने मसले भुगतते रहते हैं। कौन से मसले गौहर? कौन सा मैं तुम्हारे पैसे रोक कर किसी और पर खर्च करता हूँ? तुम मुझ पर क्या खर्च करते हो? हाँ बताओ, बताओ क्या खर्च करते हो? क्यों बिलावजह बात को बढ़ा रहे हो? मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और अपना रिस्क साथ लेकर आते हैं। आप मुझे बातों में बहलाने की कोशिश मत करें। किस तरीके से बात कर रही हो अम्मी से? तुम माँ बेटा मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते। मैंने कहा है कि तुम्हारे मेहमान अगर आ रहे हैं तो वो यहाँ मेरे घर में नहीं रहेंगे, किसी होटल में रह जाकर। ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, अम्मी का भी है। अच्छा, इनका घर है ना? ठीक है, ये यहाँ राज करें, जिसको बुलाना है बुलाएं और यहाँ रखें। मैं जा रही हूँ। देख रहे, इतनी बात बढ़ाने की जरूरत क्या? कैसी बात कर रही हैं आप? मामू इतने अरसे के बाद आ रहे हैं, मना कर दूं क्या उन्हें? कुछ भी सोच लेंगे, अभी तुम जाओ उसको मनाओ। क्यों आप इसकी साइड लेती हैं हर दफा? क्यों मनाऊं मैं इसे? अच्छा जाओ। आप ही कहती थी शादी कर लो और मैं हमेशा टाल दिया करता। क्यों टाल देती थी? पता नहीं, लेकिन अब तुमसे शादी हो जाने के बाद सोचता हूँ कि नहीं टालना चाहिए था। तुम्हें बहुत पहले ही मेरी जिंदगी में आ जाना चाहिए। अब तो हम साथ और हमेशा साथ रहेंगे, तुम देख लेना इंशाल्लाह। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा राबी, तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी ला के दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, तुम्हारा दिल चाह रहा है यहाँ से वापस जाने? क्या मतलब वापस नहीं जाना? मुझे नहीं जाना। क्या कर रही हो गौर? मुझे नहीं रहना है दूसरों के घर में। हर बात को उल्टा रंग क्यों दे देती हो? तुम्हारा जो दिल चाहे तुम उल्टी सीधी बात जैसे कहना चाहो कह लो, और फिर मुझ पर इल्जाम दो कि मैं बातों को गलत रंग दे रही हूँ। अच्छा सॉरी ना भाई, अम्मी सिर्फ इतना कह रही थी कि मेहमान रहमत होते हैं। मेरे लिए जहमत है वो। अच्छा ठीक है, ये छोड़ो ना ये सब कुछ यार, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। घर से तो तुमने मुझे अपने निकाल दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये जो तुम्हें इतनी बेहतरीन जॉब मिली हुई है ना, मेरे भाइयों की वजह से मिली है। उमर का इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मेरे भाइयों ने कराया है। उमर के स्कूल की इतनी ज्यादा फीस है मेरे भाई देते हैं, और तुम मामूली सी दाल रोटी खिलाकर मुझ पर एहसान जता रहे हो। तुम्हें नजर नहीं आता मेरे भाइयों ने तुम्हारे लिए क्या किया है? बहुत एहसान फरामोश हो तुम। क्यों हर वक्त ताने देती रहती हो तुम? मैंने तो हर दफा इनकार किया है, मैं अपनी जिंदगी अपने हालात के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ। गुजारो, बिल्कुल गुजारो, गुजारना जैसे मर्जी आए गुजारो, मैं अब इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मेरी बात सुनो। मेरे भाई अब तुमसे बात करेंगे? हेलो साकिब, फौरन पहली फ्लाइट लेकर वापस यहाँ पहुँचो। क्या हुआ आपी? जहांगीर और उसकी माँ ने मेरे साथ वो किया है कि बस। क्या किया उन्होंने? दोनों माँ बेटे ने मुझे बेदखल करके घर से निकाल दिया है। अब मैं अपने उमर को लेकर अम्मी के घर जा रही हूँ। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मजा आया?
बहुत मजा आया। देख क्या? आप भी बिल्कुल आराम से उतरे। आओ। साकेत, वो पाबंद है? मुझे अपना हाथ दिखा। अरे राधी, ये सब झूठ होता है, बकवास है। अच्छा, अपनी इतनी प्यारी सी बीवी को कोई मना कैसे कर सकता है? ठीक है, चलते हैं पामिस के पास। आइए, एक सेकंड, एक सेकंड। आपी, जी आपी। हेलो साकिब, फौरन पहली फ्लाइट लेकर वापस यहाँ पहुँचो। क्या हुआ आपी? जहांगीर और उसकी माँ ने मेरे साथ वो किया है कि बस। क्या किया उन्होंने? दोनों माँ बेटे ने मुझे बेदखल करके घर से निकाल दिया है। अब मैं अपने उमर को लेकर अम्मी के घर जा रही हूँ। फौरन वापस आओ। क्या हुआ? एक सेकंड। हेलो जीशान, आवाज आ रही है? मेरी और राबी की फौरन टिकट्स बुक कराओ वापसी की, फौरन। हुआ क्या है? ठीक है, हुआ क्या बताता हूँ। मामा, हम अब नानू के घर क्यों जा रहे हैं? बस अब हम वहीं रहें। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं भाई साहब से बात कर लूंगी। क्या बात करेंगे यार, पता नहीं क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। तो कोई बहाना कर दो ना, कह दो कि केस के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना पड़ गया। केस कराची में लगा हुआ, इस्लामाबाद की क्या लॉजिक बनती है? वो समझदार इंसान है, कोई गांव देहात के आदमी तो नहीं है ना। फिर मैं मना कर देती हूँ। क्या बात करें आप, कैसे मना करेंगी? मुझे तुम्हारा घर और तुम्हारा सुकून ज्यादा अजीज। जहांगीर ने मुझ पर इतना गुस्सा किया, इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात की। दोनों माँ बेटा मेरे सर पे सवार हो गए। जहांगीर ने तो मुझसे ऐसा सलूक करना शुरू कर दिया जैसे जैसे मैं जालिम और उसकी मां मजलूम है। जहांगीर भाई ने ऐसा किया? जहांगीर ने मुझे इतना बेइज्जत किया है, बल्कि जलील किया है। अभी उसका तो बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे अपनी माँ के कदमों में बिठा दे। एक मिनट, आप रिलैक्स होकर आराम से बताएं कि बात है क्या। अरे उनके मामू आ रहे हैं अमरीका से हर साल की तरह, मुझसे नहीं होती मेहमानदारी। उसमें कौन सी बड़ी बात, अगर मामू आ रहे हैं तो। मुझसे नहीं होता ये सब बर्दाश्त। अभी देखिए, हमारे घर भी खाला आती है लंदन से, यही रहती है ना वो। खाला की बात और है, वो मुझसे कोई मेहमानदारियां खिदमतें नहीं कर पाती हैं। तो आपसे किसने कहा खिदमतें करने के लिए? वो जहांगीर भाई के मामू है, जहांगीर भाई की अम्मी देख लेंगी। जहांगीर भाई, आप उनके कामों को हाथ मत लगाना। बात सिर्फ खिदमतों की नहीं है हसन। तो अम्मी फिर बात क्या है? इस तरह हर साल इतने लोगों का आकर मेरी बेटी के सर पर बैठना मुझे भी बर्दाश्त नहीं। अम्मी वो जहांगीर भाई के मामू हैं। देखा अम्मी, देखा कैसे दिल जला रहा है मेरा। ये बात दिल जलाने की नहीं है। खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ हसन। जब मुझे खामोश ही रहना था तो मुझे ऑफिस से फोन करके क्यों बुलाया आप लोगों ने? जा रहा हूँ मैं ऑफिस। देख देख अम्मी कैसे चला गया। फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं यही रहूंगी। यही रहोगी, बिल्कुल कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारा अपना घर है। उमर से भी खाने के लिए कुछ पूछ लेना। साकिब और राबी तो खूब इंजॉय कर रहे होंगे वहां। आई एम श्योर साकिब ने तो आपको एक बार भी फोन नहीं किया होगा। नहीं नहीं, मेरी बात हो चुकी है एक बार। बेटा, नई नई शादी हुई है उनकी और पहली बार वो बाहर घूमने गए हैं। जाहिर है खुश हो रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, अब बेटों की अपनी ज़िंदगी है। वो अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे तो खुशी होगी ना मुझे। इससे बढ़कर मेरे लिए अच्छी बात और क्या हो सकती है बताओ।
अम्मी आपकी तो सादगी ही आपको मरवा देगी। आपने मेरी सास को देखा है कैसे बेटे को मुट्ठी में करके रखा हुआ है? आपको तो दुनिया की खबर ही नहीं है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना तो जहांगीर की माँ मेरे कमरे की तलाशियाँ ले रही होगी। मुझे तो पूरा यकीन है उसने बेटे पर तावीज़ गंडे करा रखे। अभी तो जहांगीर किसी बात में मेरा साथ नहीं देता। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर जहांगीर ने माँ के घुटने के साथ लगकर बैठना था तो शादी करने की क्या जरूरत थी। एक बार मेरा सामना हो जाए जरा उसके साथ, ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी ना कि याद करेगा वो। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तो तुम्हारी दोस्त हफ्सा का क्या हाल है, कहाँ है आजकल वो? ठीक है, फोन आया था उसका, दुबई में आजकल। क्या हुआ? अल्लाह खैर करे, दोनों का ही फोन नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया। आप परेशान मत हो, हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ सिग्नल्स ना आ रहे हो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा आप एक काम करें, राबी के फोन पे एक मैसेज ड्रॉप कर दे, वो देखेगी तो कॉल बैक कर देगी आपको। जो तुम्हें इतनी बेहतरीन जॉब मिली हुई है ना, मेरे भाइयों की वजह से मिली हुई। उमर का इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मेरे भाइयों ने कराया है। उमर के स्कूल की इतनी ज्यादा फीस है मेरे भाई देते हैं, और तुम मामूली सी दाल रोटी खिलाकर मुझ पर एहसान जता रहे हो। तुम्हें नजर नहीं आता मेरे भाइयों ने तुम्हारे लिए क्या किया है? बहुत एहसान फरामोश हो तुम। आजमाइश, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बेटा सब्र करने वालों और साबित कदम रहने वालों को अल्लाह बड़े इनामात से नवाजता है। बहुत थक गया हूं मैं। देखो अल्लाह अपने बंदों को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। मर्द तो बहुत बहादुर होते हैं। तुम्हें तो अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करना है भी। और वैसे ही बहुत परेशान है, इस तरह की बातों से तो और उलझ जाएगा। अल्लाह बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो खाना लगा। मुझे भूख नहीं। सुबह तुम्हारे साथ नाश्ता किया था, भूख लग रही है। क्या कह रही हैं, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? तुम भी तो भूखी, कोर्ट में परेशान रहे और अब घर आके फिर क्या करती हैं मम्मी आप? चलो उठे खाना खाते हैं फिर। परेशान ना हो, मैं चाय बना के ला रही हूँ। चलो बैठ जाएं, मैं आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम राबी, कैसी हो तुम, कहाँ हो? ना तुम्हारा फोन लग रहा है ना साकिब का। अच्छा तुम लोग कहीं पहाड़ों में घूम रहे हो, चलो अच्छी बात है, खूब सैर करो, एंजॉय करो। हम तो कराची पहुंच चुके हैं। क्या तुम लोग यहाँ आ गए हो, लेकिन क्यों? वो गौहर आपी, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से फिर हम वापस आ गए।
अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तुम घर के मामलात देखो, मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगा। ठीक है भाई, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अभी क्या जरूरत है बताने की, एक बार घर चल के पूरा मामला तो देख ले। जल्दी चलाओ यार। जा रही हैं आप? मुझे पता था तुम तो जाओगे नहीं, लेकिन इस मसले को हल तो करना है ना। मैं गौहर को खुद ले आऊंगी। आप क्या समझ रही हैं? आप वहां जाएंगी तो वो मान जाएगी? मैं नसरीन से कहूंगी, वो समझाएंगी, भिजवा देंगी उसे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अम्मी, मुझे पता है ना। तुम मुझे कोशिश तो करने दो मनाने की, तुम जाने तो दो मुझे। आप क्या समझ रही हैं? आप वहां जाएंगी तो उसका दिल मोम हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा अम्मी। और मैं नहीं चाहता कि वहां जाकर आप अपनी बेइज्जती करवाएं। मेरे सामने तो आपका लिहाज करती नहीं है, वहां क्या करेगी? पता नहीं किस तरह खून के घूंट पीकर बर्दाश्त करता हूं। आपको मेरी कसम है, आप नहीं जाएंगी। प्लीज अम्मी। आपी, प्लीज इतना मत रोएं। आप जो चाहेंगी वही होगा। तुम गाड़ी निकालो हसन, हमें अभी इसी वक्त जाना है वहां पे। भाई आप आराम से बैठे, पानी पिया, आराम से बात कर लेते हैं ना। बात करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर आप ही के लिए वहाँ कुछ नहीं है तो ये क्यों रह रही है वहाँ पे? भाई कहीं जल्दबाजी में खुदा ना खास्ता। तुम इतना डर क्यों रहे हो हसन? इस कदर बेइज्जत करके उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। अरे तुम्हें तो गुस्से से डट कर वहाँ जाना चाहिए। अगर बाप भाई मजबूत ना हो ना तो ससुराल वाले बहुओं का गला काटने के लिए दौड़ते हैं। कह रहे हो साकिब, अगर आज तुम्हारे अबू जिंदा होते तो जहांगीर ऐसी बात कभी ना करता। चलो मैं भी अब साकिब को कह दूंगी कि उमर का कोई खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है, जहांगीर ही सारे पैसे देगा। ये तुम क्या खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही हो? जाओ यहां से। और सुनो, ये सूटकेस भी अपना लेकर जाओ। जाओ यहां, हमारी जिंदगी खराब हो गई, इनका मुंह बना हुआ है कि इनका हनीमून खराब हो गया। मजान है जो तसल्ली के दो लफ्ज इसने बोले हो, गले लगाया हो मुझे। आपको पता है जहांगीर ने मेरे साथ क्या किया? आपके परेशान होने से वहां की क्या बात खुल के सामने आ जाएगी? मुनीजा, उसके लहजे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी परेशानी में है। उसने बात बदली है। अरे कोई सामने आ गया होगा, अब वहां की बातें किसी के सामने थोड़ी ना करेगी वो हमसे। अल्लाह करे गौहर बहन खैरियत से। कुछ नहीं होता उसे, जानते नहीं आप उसको कितनी फड्डेबाज है वो। हो गया होगा ससुराल में कोई झगड़ा, आके बैठ गई होगी मैके। पता नहीं उस घर में क्या मसले चल रहे हैं, क्या मामलात हैं। अच्छा आप छोड़े, आप चाय तो पी लें। मामा मुझे नहीं खाना। अरे खाओ तो। नहीं, आप मुझे कुछ ऑर्डर करवा दें। अजीब हो तुम, जब से यहाँ आए हो अजीब अजीब जिदे करे जा रहे हो। अगर मैं वहां जिद करता ना तो दादी मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देखती थी। क्या? आंखें फाड़ फाड़ के देखती थी? हाँ, और वो तो ये भी कहती थी तुम जिद्दी माँ के जिद्दी बच्चे हो। अरे
ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, और कभी कभी तो ये भी कहती है तुम्हारी माँ तो हर वक्त सोती रहती है, ना बच्चे का ख्याल है ना शौहर का। या अल्लाह, इतना कुछ कहती नहीं वो, और अब तुम मुझे बता रहे हो? अगर मैं आपको वहाँ बताता ना तो वो मेरा गला नहीं काट देती। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? ये मैंने खुद नहीं सोचा, उन्होंने मुझे कहा अगर तुमने कोई भी बात अपनी मम्मा को बताई तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। बड़ा सीधा साधा समझती थी तो मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या कुछ कहती रही है। अच्छा मैं बर्गर ऑर्डर कर लूँ ना मामा? मैं बर्गर ऑर्डर कर लूँ ना? हाँ जाओ। जो हसन और साकिब करके आएंगे ना, जहांगीर और उसकी माँ का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। देखो बेटा, घरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, दरगुजर करना चाहिए। हमारे घर में तो ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, मेरी बीवी के तो सारे नाज नखरे उठाए जाते हैं। गौर की भी यहाँ बहुत इज्जत, वो बेटी है मेरी। लेकिन आंटी, बेटियों को घरों से सिर्फ बेदखल नहीं किया जाता, और वो भी इस घोंसले जैसे घर में मेरी बहन के लिए कोई जगह नहीं। हर हालात में आप ही की वजह से हमने तुम्हारा साथ दिया, और तुमने कह दिया कि ये घर उसका नहीं। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, वो अम्मी से बदतमीजी करती है, और अम्मी से कोई बदतमीजी करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँ, और मेरी बहन से कोई बदतमीजी करे वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ। चलो मैं मानती हूँ हमसे गलती हुई, मैं माफी मांगती हूँ। अम्मी क्या कर रही हैं आप? तुम गौर को भेज दो, हम मेहमानों को मना कर देंगे यहाँ आने से। आंटी हमें आपके मेहमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फजूल छोटी सी बात पर मसला बनाकर गौर घर छोड़कर चली गई है। अच्छा, अगर इतनी छोटी और फजूल बात थी तो तुमने उसे यहाँ से जाने क्यों दिया? देखो बेटा, हमारी गलती है तो तुम हमें माफ कर। आज माफी मांग रहे, कल फिर लड़ाई होगी, परसों फिर उसे यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा। किसी ने बेदखल नहीं किया उसे, अपनी मर्जी से गई है वो यहाँ से। मैं वैसे ही अपनी बहन के लिए एक नए घर का बंदोबस्त कर, वो अब साथ नहीं रहेगी। किसके साथ नहीं रहेगी? तुम और गौहर अब उस घर में रहोगे। सवाल ही पैदा नहीं होगा, मैं अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो फिर मैं अपनी बहन को यहाँ वापस भेज दूं, ये भी सवाल नहीं पैदा होगा। चलो हसन, देख लिया आपने? देख लिया ना?